कौन सा दिन है सर? आज दिवाली का दिन है। दिवाली 2024 का दिन है और डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में आए विजिट करने के लिए। दिवाली ऑफर चल रहा है इसलिए। अच्छा, उसके बाद पानी डाल देंगे इसमें थोड़ा। एकदम सॉफ्ट है? एकदम सॉफ्ट। या क्रिस्टल बर्फ आ रहा है? नहीं नहीं, एकदम सॉफ्ट है। और मशीन का सर हमने आपको सिस्टम फंक्शन समझाया कैसे ऑपरेट करना है, तो ये इजी टू यूज है या हेडेक वाला काम है? इजी, कोई भी नया आदमी चला सकता है। फ्लेक्स का वैरायटी अप डाउन करना है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से वेरिएशन कर सकते हो आप। देखिए लीजिए सर, गुड मारिए, टेस्ट कीजिए ऑरेंज का फ्लेवर कैसा है सर? टेस्ट अच्छा है, एकदम ठंडा है। ठंडा और स्ट्रांग है? स्ट्रांग है। जैसा है सर ऑरेंज का फ्लेवर? कोल्ड ड्रिंक जैसा। कोल्ड ड्रिंक जैसा है, जो बाजार में फेंटा मिलता है, मरिंडा मिलता है, उस तरह का टेस्ट है? उस तरह का टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है डॉल्फिन अप्लायंस में। दोस्तों आप देख सकते हैं आज कस्टमर आए पूना महाराष्ट्र से, सॉफ्टी मशीन, सोडा मशीन, स्लस मशीन, बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन, हर एक मशीन की लाइव डेमोस्ट्रेशन लेने के लिए आज डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में विजिट किया है, तो थोड़ा हम कस्टमर से बात करेंगे। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर? चेतन। चेतन जी, और कहाँ से है सर आप? चाकन महाराष्ट्र। चाकन महाराष्ट्र से है और आज डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में विजिट किया आपने? अभी आए। अच्छा, और आपने सर हमारा रेफरेंस कहाँ से देखा सर? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम यूट्यूब में वीडियो देख के आए? तो सर जो हम यूट्यूब इंस्टाग्राम में जो चीज बताते हैं, जो प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे आके आपको ओरिजिनल लगा सर? हाँ सब अच्छा है। सब जेन्युइन लगा ना सर आपको? जो दिखाते हैं वही सेम मिला यहाँ पे आपको? वही वही। अच्छा, और कौन सी मशीन के लिए है सर आप? हम चारों मशीन के लिए, स्लज मशीन, सॉफ्टी, कोरियन आइसक्रीम और सोडा मशीन। चारों चार मशीन देखने के लिए आए कस्टमर? चारों चार मशीन देखने के लिए आज डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में विजिट किए। और सर आज कौन सा दिन है सर? आज दिवाली का दिन है। दिवाली 2024 का दिन है और डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में आए विजिट करने के लिए। दिवाली ऑफर चल रहा है इसलिए। अच्छा, दिवाली का बिगेस्ट ऑफर हमने निकाला हुआ है, तो कस्टमर आज ही विजिट के लिए, दिवाली के दिन ही कंपनी में डेमोन्स्ट्रेशन लेने के लिए है। तो हमने यहाँ पे सॉफ्टी मशीन की मिल्क यहाँ पे रखा है, कैसे मटेरियल बनता है, कैसे फ्लेवर फिलअप किया जाता है और मशीन में कैसे सप्लाई किया जाता है, उसके बाद कैसे निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बिंगसू मशीन का भी डेमो, स्लश मशीन का डेमो और सोडा मशीन का भी डेमो, सभी मशीनों का डेमो कस्टमर को लाइव देने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले सर इसका रेसिपी जो रहता है, ये हमारे पास 1 किलो आइसक्रीम का पाउडर है और 4 लीटर दूध डालना है मिल्क इसके अंदर। फिलहाल हम इसके अंदर एक फ्लेवर बनाएंगे और आपको आधा आधा दो दो लीटर फिलअप करके मशीन में से दिखाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मिल्क पड़ा हुआ है, ये 500-500 ग्राम का बैग है, हम 4 लीटर मिल्क इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिल्क डाल दिया हम इसमें, 1 किलो वेनिला का पाउडर है, ये पाउडर को फिलअप कर देंगे इसमें। उसके बाद जो मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में मिक्सर मशीन दिया जाएगा, इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अराउंड 1 मिनट तक इसको मिल्क और पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हो चुका है अच्छे से प्रॉपरली। अभी हम दोनों टैंक में इसको आधा आधा फिलअप कर देंगे, दो दो लीटर। आपको अलग अलग फ्लेवर करना है तो आप अलग अलग फिलअप कर सकते हो इसमें। उसके
उसके बाद यहाँ से वॉश का बटन दबा के थोड़ा लाइन में ले लेंगे हम मटेरियल को। लाइन में ले लिया, इसके बाद यहाँ से हम फ्रीजिंग का बटन में जाएंगे। यहाँ पे सभी फंक्शन है, वॉश करना है तो वॉश, आइसक्रीम जमाना है तो फ्रीज, नाइट मोड पे रखना है तो कीप फ्रेश है, मशीन के बारे में कुछ जानना है तो प्ले का बटन है, मशीन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एयर का क्वांटिटी बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, हार्डनेस बढ़ाना है, कम करना है, काउंटिंग 0-0 करना है तो सेटिंग में जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फिलहाल हम मशीन को फ्रीजिंग का बटन दबाएंगे और मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अभी 10 सेकंड के अंदर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अराउंडली 10 से 12 मिनट समय लगेगा पहली बार आइसक्रीम जमने के लिए। दिन में पहली बार जब आप सुबह आएंगे तो 10 मिनट के अंदर अपना आइसक्रीम बनने के लिए समय लगेगा। फिलहाल समय हुआ है, लव फोन अराउंडली अभी समय हुआ है 12:16 का समय हुआ है, 12:16 का। अभी कितने मिनट में आइसक्रीम बन के दिख रहा है वो हम लाइव देखेंगे इसमें। अभी मशीन के अंदर टोटल इंट्रोडक्शन आ गया है, टैंक में कितना माल भरा हुआ है, कितना डिग्री टैंक का टेम्परेचर है, सिलेंडर का कितना टेम्परेचर है, कितना परसेंट आइसक्रीम तैयार है, 59% है, कौन कितना सेफ है, कितना परसेंट से है, ये जब आइसक्रीम रेडी होगा ये कौन बन के पूरा रेडी हो जाएगा और 100% यहाँ पे 100% होगा। एक बार इसको आप टच करेंगे तो मशीन में से कितना पीस निकला है, आउटलेट पीसेस 0 है फिलहाल, इसलिए इसमें काउंटिंग होगा, एक एक कोन आप निकालेंगे तो काउंट मारेंगे उसमें। ऊपर से कितना पावर आ रहा है, 236 वोल्ट का पावर आ रहा है उसके अंदर से। साइकिल टाइम हर एक डिटेल सबको अभी ये डिस्प्ले शो करेगा, कोई चीज़ बार बार देखना नहीं है कितना माल भरा हुआ है क्या, ये डिस्प्ले टोटल इंट्रोडक्शन और शो करेगा आपको। ये भी 10 से 12 मिनट में अपना मटेरियल तैयार हो जाएगा, फिर हमारे कस्टमर को आइसक्रीम टेस्ट कराएंगे और उनको क्वालिटी चेक कराएंगे, पूछेंगे कैसा उनको क्वालिटी लगा। उतनी देर में हम यहाँ पे रेम्बो का टॉपिंग्स है, ये रेम्बो का टॉपिंग्स थोड़ा ऐड कर देते हैं इसके अंदर। एक लाइन में हम रेम्बो, क्योंकि ये टॉप मॉडल है हमारा, रेम्बो टॉपिंग 16, तो इसमें रेम्बो का भी हम फंक्शन हमारे कस्टमर को बताएंगे। यहाँ पे बाउल है, इसमें हम रेम्बो का टॉपिंग्स डाल देंगे। और यहां से भी इसको लाइन में ले लेंगे वॉश का बटन दबा के। इसको बंद कर देंगे हम, ये लाइन में आ चुका है। अभी जब भी आपको चाहिए एक बार बटन दबाना है टॉपिंग्स वाला, बिना रेम्बो वाला चाहिए सादे ऐसे कैसे दबाओ। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्लश मशीन भी स्टार्ट है, हम इसको भी मटेरियल बनाने के लिए डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम गवावा का क्रश फ्लेवर डालेंगे। पानी डाल देंगे इसमें थोड़ा, यहां से बटन स्टार्ट कर देंगे, लाइट का भी स्टार्ट कर देंगे और प्रोसेसिंग का भी यहां से स्टार्ट कर देंगे इसमें। कितना हार्ड रखना है यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड रखना है तो मैक्सिमम आप 9 नंबर पे रख सकते हो। 0 नंबर करेंगे इसलिए इसमें निकलेगा ओनली ठंडा शरबत, स्लश नहीं बनेगा, 0 नंबर पे स्लश नहीं बनेगा। फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे, 1 नंबर करेंगे हल्का स्लश बनेगा, और थोड़ा भारी करना है 2 नंबर, और थोड़ा भारी करना है 3, जितना हैवी करना रहना है उतने नंबर बढ़ा रहने हैं। फिलहाल अभी हम इसको 6 नंबर पर रखेंगे इसके अंदर। फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद 10 से 12 मिनट में आपके सामने फिर से लौटते और स्लश मशीन, डिंगसू मशीन, सॉफ्टी मशीन, सोडा मशीन हमारे कस्टमर को टेस्ट करवा के उनका लाइव रिव्यू और फीडबैक आपसे लेते हैं। थैंक यू। आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है ऑलरेडी मशीन के अंदर। सर कितना समय में आइसक्रीम रेडी हुआ? 10 मिनट में हो गया। 10 मिनट में ऑटो कट हो गया। okay. अभी पावर सेवर है तो चल रही है मशीन? okay, चल रही है। अभी बंद है क्या, इसलिए स्टॉप है या चालू है मशीन? स्टॉप है। स्टॉप है ना, ऑटो मोड पे है ना पूरी। और आपने आइसक्रीम टेस्ट किया सर? हाँ किया। कैसा लगा सर? एक नंबर था, एकदम सॉफ्ट था। सॉफ्ट एकदम। आप देख सकते हैं सर को हमने आइसक्रीम टेस्ट कराया, फिर भी आपके सामने एक स्कूप बना के हम कस्टमर को लाइव टेस्ट करवा के दिखाते हैं। एक नॉर्मल कोन निकालेंगे और एक रेम्बो वाला निकालेंगे। यहाँ से हम नॉर्मल निकालेंगे,
ये नॉर्मल सॉफ्टी निकला हुआ है, उसको हम थोड़ा करेंगे स्प्रिंकल्स यहाँ से। अलग अलग डेकोरेशन करना है तो इस तरह से अलग अलग स्प्रिंकल्स कर सकते हो। आप देखिए, करिए एक टेस्ट। उसके बाद एक कोन निकालेंगे हम रेम्बो वाला, जिसमें हमने रेम्बो टॉपिंग्स दिया हुआ है, इस तरह का रेम्बो टॉपिंग्स निकालेंगे। देखिए रेमबो टॉपिंग्स का बॉर्डर और जैम सब लग के निकला है प्रॉपरली। सर ये प्रॉपरली लग चुका है इसके ऊपर के नीचे गिर रहा है? प्रॉपरली बॉर्डर के ऊपर अच्छे से लग चुका है ना। एक स्कूप टेस्ट करिए सर। एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। या क्रिस्टल बर्फ आ रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सॉफ्ट है। और मशीन का सर हमने आपको सिस्टम फंक्शन समझाया कैसे ऑपरेट करना है, तो ये इजी टू यूज है या हेडेक वाला काम है? इजी, कोई भी नया आदमी चला सकता है? कोई ट्रेनिंग का जरूरत है इसमें? 8 दिन 15 दिन ट्रेनिंग लेने का ऐसा कुछ जरूरत है? एक दिन में हो जाएगा सर, एक दिन में सब सीख जाएंगे ना आदमी इसके अंदर। आप देख सकते हैं लाइव प्रैक्टिकल डेमो दिया हमने हमारी मशीन के अंदर कस्टमर को। अभी हमारी दूसरी मशीन है बिंगसु, लाइए सर ले लीजिए। उसके बाद हमारी बिंगसु कोरियन आइसक्रीम मशीन है, जिसकी लाइव प्रैक्टिकल डेमो ऑलरेडी हमने दी है, लेकिन हम आपको लाइव वीडियो में भी बताएंगे, कस्टमर को टेस्ट भी कराएंगे, ओरिजिनल रिव्यू। हम तो हमारी प्रोडक्ट का तारीफ करेंगे, लेकिन हमारे जो कस्टमर है उनको कैसा हमारा प्रोडक्ट लगेगा वो लाइव हम आपको बताएंगे इसमें से। आप देखिए ये गवावा का फ्लेवर हमने थोड़ा ले लिया इसमें, उसके बाद थोड़ा हम पानी डालेंगे इसमें, उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब देखिए रेडी हो चुका है सर, अपने हाथ से डाल दीजिए इस पे। अब देखिए लाइव टू लाइव पूरा डाल दीजिए सर। अब देख सकते हैं डाल दिया इसमें और लाइव टू लाइव फ्लेक्स बन के निकलना चालू हो जाएगा। अब देखिए बोलो रोल फॉर्म में फ्लेक्स बन के निकल, जितना आपको क्वालिटी अप डाउन करना है यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हो। फ्लेक्स का वैरायटी अप डाउन करना है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से वेरिएशन कर सकते हो। आप देखिए ये तकरीबन हमने जो मटेरियल अभी डाला था अराउंडली 3 से 4 रुपए का कॉस्टिंग का, हमने गवावा का फ्लेवर का मालास कंपनी का रेसिपी के हिसाब से मटेरियल डाला हुआ था इसमें। आप देखिए ये मटेरियल कम हो जाएगा इसलिए यहाँ से अलग धीरे धीरे होगा। देखिए रोलर भी आप फिनिश हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए हमारे कस्टमर को टेस्ट करवाएंगे एक स्पून लीजिए सर, टेस्ट कीजिए एक स्पून। कैसा है सर टेस्ट? एकदम नया प्रोडक्ट है, एकदम नया। वहाँ मिलता है कि वहाँ पे चक्कर नहीं, 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 नहीं मिलता है नहीं, ना सर आप देख सकते हैं पूरा न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू एडवांटेज के लिए स्पेशल कस्टमर यहाँ पे आते हैं और उनको पूरा प्रैक्टिकल वीडियोस बना के दिखाते हैं इसके अंदर, लाइए सर। उसके बाद हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट था स्लश मशीन, तो जिसमें हमने गवावा का स्लश डाल दिया है। और कस्टमर ने बोला था कि उनको 6 नंबर का हार्डनेस चाहिए, मैक्सिमम आप इसमें 9 नंबर तक का हार्डनेस कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने इसमें 6 नंबर का हार्डनेस किया हुआ है। अब देखिए इसमें 2 फ्लेवर की मशीन है, अगर आपको एक फ्लेवर चलाना है तो एक ही चला सकते हो, दोनों चलाना है तो दोनों भी चला सकते हो, आपका जैसा रिक्वायरमेंट चला सकते हो। बेहतरीन क्वालिटी का स्लशी बन के निकला है मशीन में से। आप देखिए लीजिए सर टेस्ट कीजिए।
कैसा लगा सर टेस्ट? एकदम अच्छा है। अच्छा है, जैसे बाजार में गोला और प्याली मिलता है उसके जैसा ही अलग है? नहीं नहीं अलग है एकदम, उससे अलग है और भारी अच्छा क्वालिटी उससे अच्छा है। वो गोला रहता है तो खाते तो दांत में लगता है, वो हार्ड रहता है, ये लगता है दांत में, एकदम सॉफ्ट भी है, एकदम स्मार्ट है और टेस्ट भी अच्छा है। टेस्ट भी अच्छा है। अब देखिए गोवा का आप जिस तरह का इसमें फ्लेवर डालना है डाल सकते हो, जैसे कि मिल्क वाला, पानी वाला, शरबत वाला, नेचुरल फ्रूट जूस, गन्ना जूस, कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर डाल सकते हो, इस तरह का बेहतरीन स्लशी बना के निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मशीन कस्टमर सोडा मशीन के लिए आए थे, तो सॉफ्ट ड्रिंक का मशीन भी हमने ऑपरेट किया है, पूरा स्टार्ट कर दिया है। 6+2 की मशीन है, 6 अलग अलग सोडा वाले फ्लेवर है, 2 अलग अलग जूस वाले फ्लेवर है। फिलहाल मशीन में हमने रेड बुल का फ्लेवर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर रेड बुल का हमने फ्लेवर डाला हुआ है, देखिए तो लगा, टेस्ट कीजिए गुड। इस तरह से हमने अलग अलग फ्लेवर्स भी लगे हुए हैं इसमें, आप देखिए जीरा है, वाइट जीरा डाला हुआ है इसमें हमने, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज का फ्लेवर डाला हुआ है, आप देखिए माल्टा फ्लेवर से इसके अंदर, उसी तरह से स्टिंग एनर्जी स्टिंग का फ्लेवर है जो बाजार में 25 रुपए का ड्रिंक मिलता है, इस तरह का एनर्जी स्टिंग का फ्लेवर है। ब्लैक जीरा का फ्लेवर है इसमें, काला जीरा मसाला जो मिलता है बाजार में, इस तरह का फ्लेवर से इसके अंदर, और इसमें से प्लेन सादा सोडा निकल रहा है इसमें से, अब देखिए लीजिए सर, गुट मारिए, टेस्ट कीजिए ऑरेंज का फ्लेवर कैसा है सर टेस्ट? अच्छा एकदम, ठंडा है? ठंडा और स्ट्रांग है? स्ट्रांग भी है। जैसा है सर ऑरेंज का फ्लेवर? कोल्ड ड्रिंक जैसा, कोल्ड ड्रिंक जैसा जो बाजार में फेंटा मिलता है, मरिंडा मिलता है, उस तरह का टेस्ट है? उस तरह का टेस्ट है। आप देख सकते हैं सभी फ्लेवर हमने कस्टमर को यहाँ पे मशीनों का लाइव ऑपरेटिंग डेमो दिया, एक साथ 3, 4, 5 जो भी कस्टमर की मशीन थी उसका पूरा लाइव प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिया है। और सॉफ्टी मशीन और स्लश मशीन अगर आप लेते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेराइटीज इसके अंदर से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से आप स्लश ले रहे हो इसमें, आप देखिए थोड़ा स्लश ले लेना है इसके अंदर आपको, उसके बाद इसमें से थोड़ा आपको सॉफ्टी डाल देना है, ये सॉफ्टी डाल दिया है, उसके ऊपर आपको अलग अलग टॉपिंग्स और चॉकलेट करना है आपको, तो अलग अलग इस तरह से स्प्रिंकल डाल सकते हो इसमें, आप देखिए इसमें ड्राई फ्रूट डालना है, आप देखिए इस तरह से आप टूटी फूटी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, अलग अलग चॉकलेट का टॉपिंग्स डाल सकते हो उसमें। ये प्रोडक्ट बनाने का खर्चा आपको 10 से 12 रुपए के गिरेगा। सर ये प्रोडक्ट अपने बाजार में कितने में सेल कर सकते हैं? कम से कम 40-50 में मिनिमम सेल जाएगा। ये अब देखिए 10 से 12 रुपया बनाने का खर्चा, मैक्सिमम आप 40 से 50 रुपए में आसानी से सेल कर सकते हो उस तरह के प्रोडक्ट लेके। तो इस तरह की मशीनों की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। सर थैंक यू फॉर विजिट डॉल्फिन अप्लायंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।